प्रयागराज जिले के करछना तहसील के बड़गोना खुर्द के मजरा पथराहा पर शुभम इंटर कॉलेज के बगल में लोगों के द्वारा रखे पियरे की खान में अचानक कहां से आग लगी, किसी को कुछ भी नहीं पता। आग इतनी तेज थी कि लोगों के द्वारा चिल्लाने पर भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए और बगल में संतोष टेंट हाउस के पास जनरेटर द्वारा समरसेबुल को स्टार्ट करके पाइप आदि के द्वारा आग पर काबू पाया गया। लक्सर के बसेड़ा खादर गांव में बीती 31 दिसंबर को दिन दहाड़े शिवपाल ने अपने 4 साथियों सहित गांव के ही 2 युवकों को गोली मार दी थी, जिसमें आशीष उर्फ जैकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक दीक्षित को गंभीर हालत में जौलीग्राड में भर्ती कराया गया था, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इस बहुचर्चित हत्याकांड में लक्सर पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि 3 आरोपी फरार चल रहे थे। 31 दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना मिली थी कि 2 लोगों को ऊपर गोली लग गई है, तो तुरंत मौके पर पहुंचे। उसमें एक व्यक्ति है आशीष, उनका मौके पर डेथ हो गई। एक दीक्षित है, उनका जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें 23 तारीख को पंजीकृत हुआ था, इसमें जो है 5 लोग नामजद थे। इसमें 2 लोगों का ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसमें 3 जो मेन मुलजिम है, जो शिवपाल है, अर्जुन है, राहुल है, इनको गिरफ्तारी में आज सुबह जो है हमारा लक्सर कोतवाली टीम को सफलता मिली और आज इनको गिरफ्तार करके जो माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेज रहे हैं। इनसे जो है घटना में प्रयुक्त तमंचा 3 जो देसी तमंचा ने रेफर किया और 4 जिंदा कारतूस हमने बरामद किया। भैरोगंज उच्च विद्यालय के खेल प्रांगण में प्रारंभ हुई जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, मैच का शुभारंभ आर्यन 11 नड्डा के कप्तान आर्यन यादव और लोरिया के कप्तान धनंजय सिंह के बीच टॉस उछालकर किया गया। पहले टॉस जीतकर आर्यन 11 नड्डा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 15 ओवर में 131 रन का लक्ष्य रखा। आर्यन 11 की ओर से सर्वाधिक राम मिलन ने 55 और गुड्डू यादव ने 35 रन बनाए। जवाब में दूसरी पारी खेलने उतरी लोरिया की टीम को गुड्डू यादव, विजय कुमार और अमरेंद्र कुमार की घातक गेंदबाजी के सामने लोरिया की टीम टोटल 80 रनों पर ही सिमट कर रह गई। प्रयागराज जिले के करछना तहसील के तेवरिया खुर्द के ब्रजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर के खाते से 5 लाख रुपए कैसे गायब हुए कि खाता धारक को पता ही नहीं चला। जब ब्रजेश कुमार अपने बैंक शाखा रामपुर में गए तब वो खाते का विवरण मांगा तो उनके खाते से 10-10 हजार करके 12 मार्च 2020 से 18 दिसंबर 2020 तक 5 लाख निकल गए। जब खाताधारी ने पूछा कि हमारा पैसा कैसे निकला तो बैंक कर्मचारी ने बताया कि ये पैसा किसी ग्राहक सेवा केंद्र वाले ने निकाला है। तो उन्होंने पूछा कि कौन ने निकाला है तो बैंक कर्मचारी बताने से कतराने लगे और कहा कि जाओ FIR लिखवा दो, हम चेकिंग करवा कर बताएंगे। जो है 23 तारीख को जो है गए बैंक में और लॉकडाउन पहले मैंने पैसा जमा, लॉकडाउन के बाद मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था और उसमें से जो है हमारा पैसा 2-3 बार गया तो मशीन जो है मतलब गड़बड़ बता रहे थे कि हमारा पैसा नहीं चल पाया और मैं वापस चला आया। 2-3 बार जाने के बाद जब मैं 23 तारीख को गया तो बताया कि तुम्हारा पैसा पूरा निकल चुका है। तब आपने बैंक मैनेजर से पूछा तो क्या बताया? उनके कर्मचारी ने बताया कि इसमें से तुम्हारा पैसा निकल गया, तुम एक ग्राहक सेवा केंद्र से बता रहे हैं। और फिर हाल मैंने जब पूछा कि कहाँ पे है एक ग्राहक सेवा केंद्र, किस केंद्र से निकला, तो बोलती है अंता के पास टायर फटने से एक स्कॉर्पियो पलटी जिसमें 6 जनों की मृत्यु बताई जा रही है, अन्य घायल है। उनको कोटा MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है। MBS अस्पताल में मौके पर पहुंचे सर्व समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष अकरम खान, कोषाध्यक्ष वाशिद कादरी भरोसा दिलाते हुए ताजबंद आते हुए वहीं खड़े हुए हैं। उन्हीं से जानकारी प्राप्त अनुसार और गंभीर रूप से घायल जो व्यक्ति है उनका उपचार किया जा रहा है। जनपद प्रयागराज के विकासखंड कोंधियारा के ग्राम पंचायत नौगवा में संचालित कान्हा गौशाला में चारा पानी के अभाव में दम तोड़ रहे गोवंशों को आसपास फेंक दिया जा रहा है, जिन्हें कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। सोमवार को गौशाला की फोटो खींचते देख गौ सेवकों ने पुआल से मृत गोवंश को ढक दिया। कोंधियारा के नौगांव में संचालित गौ आश्रय में शुरू से ही अव्यवस्था चल रही है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत के बाद जांच में भी भारी अनियमितता पाई गई है। माता जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पशु गैया कब खत्म हुई है, यार खत्म भैया, तो इसको हटवा देना चाहिए। हाँ, तो वो पियरा लाते लड़का कर रहे हैं तो कैसे हटवाए, हमें आराम से उसको उठे। जैसे कि हम देख रहे हैं माता जी ये भी जैसे तड़प रही है, डॉक्टर साहब नहीं आए थे क्या? आए थे नहीं। कब आए थे? आने सुई लगाए आज वहाँ वही। कितने दिन से बीमार है माता जी? अरे बीमार का ढेर दिन नहीं रही,
क्या नाम है? अरे हमारे कल्ले की क्या कारोबार? क्या नाम है? क्या नाम है? कल्ला ना हुआ। अच्छा, अभी कार्ड का ही कल्ला ही जा। क्या समस्या है आपके? जैसे बता रहे हैं आपके आपके कुछ परिश्रमिक जो यहाँ काम कर रहे हैं आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो पैसा जब से लगी है तब से कहाँ मिलता ही बा? जो रही ऐसे कर था काम, अब पेट ना ही मना ही कहा पेट न हो तो भेंट न हो, अब भेंट कहाँ हो अब तो है बचे तो कहा था कि पैसा मिला दे आवत जा, तो सुना था कथा सुनाई बहुत गया हमार। कुछ मिला है कुछ नहीं मिला? कुछ का थोड़ा। बसंतापुर मोड़ के पास सोमवार गन्ना से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली बांध के नीचे पलट जाने से ट्रैक्टर चला रही युवक की दर्दनाक दबकर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक खैरीघाट थाना क्षेत्र के प्रधान पुरवा दाखिला झुंडी चौक सहार निवासी 19 वर्षीय युवक उमेश यादव पुत्र लाल बहादुर यादव ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर नानपारा मिल जा रहा था, तभी अचानक बसंतापुर मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर बांध के नीचे पलट गई और युवक की दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने डायल 112 की पुलिस को सूचना दी। यूपी के कौशाम्बी में जेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। यहां के बंदियों ने जेल के पुराने कंबलों से गोवंशों के लिए गर्म कोट बनाने का काम शुरू किया है। पहले चरण में तकरीबन 150 गर्म कोट बनाए गए हैं। इन कोटों को मुख्यालय से सटे एक गौशाला में ले जाकर अफसरों ने गोवंश को पहना भी दिया है। जेल प्रशासन की अनोखी पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। कौशाम्बी जेल प्रशासन जनहित में कोई न कोई सराहनीय कार्य करता ही रहता है। लॉकडाउन के दौरान जेल प्रशासन ने बंदियों के माध्यम से मास्क बनाने का काम किया था। जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल की शासन स्तर पर ही सराहना की गई थी। जेल के बने मास्क को जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और आम लोगों ने पहना था। अब जेल प्रशासन ने ठंड को देखते हुए बेजुबानों के लिए गर्म कोट बनाने की अनोखी पहल की है। दरअसल जेल में बंदियों के लिए कंबल मंगाए जाते हैं। बंदियों के इस्तेमाल के जब कंबल खराब हो जाते हैं तो खराब कंबल फेंक दिए जाते हैं। इन कंबलों को इस्तेमाल में लाया जाए इसके लिए जेल अधीक्षक बीएफ मुकुंद ने गौशाला में रखे गए गोवंशों के लिए गरम कोट बनाने के काम बंदियों के माध्यम से शुरू करवाया। अभी ठंड का मौसम आ रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये एरिया है यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो इसे आदमी ही नहीं जितने हमारे गाय हैं वो भी प्रभावित हैं। खासकर जो निराश्रित गाय पहले जो खुले में रहती थी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था, तो हम लोगों ने जो ये गौशालाओं में ये एक अभियान चलाया है कि सभी गौशालाओं में हमें उचित प्रबंध करना है शीतलहरी का। उसी प्रयासों में से आज एक प्रयास है जिसमें हम लोगों के जनपद में एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जेल में कैदी लोग हैं उनके परिश्रम से हम लोग उनके लिए ये ओढ़ना तैयार करवाए हैं। ये डबल लेयर का है, अंदर जो पुराने कटे फटे कंबल हैं कैदियों के द्वारा उपयोग किए गए जो अब किसी उपयोग के नहीं रह गए हैं वो उसकी एक परत रहती है, और बाहर जो पॉली बैग का जो है वो एक परत रहती है, और इनको दोहरा लेयर को सिलवा करके एक वो तैयार करा जाता है, तो जिससे कि उसमें ओस इत्यादि भी पड़ती है तो उससे भी गाय को उसका उस पर असर नहीं पड़ता और अंदर से वो गर्म भी रहता है। तो इस तरह अभी हम लोग ने लगभग 150-200 तैयार किए हैं और आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि इसको अधिक से अधिक संख्या में हम लोग तैयार करेंगे, और हम लोगों की जितनी भी जो जनपद में 60 से ऊपर गौशालाएं हैं उसमें हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे और इसका हम लोग पूरी तरह प्रबंध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे डीजी साहब श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से कारागार में बंदियों द्वारा यूज किए गए फटे पुराने कंबलों को सिल करके हमारे कैदियों द्वारा गायों को सर्दी से बचाने के लिए गायों का एक कोट बनाया जा रहा है और वो हम बना करके जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं। ये हमने आज की तारीख में जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में SDM साहब को 100 कोट जो है सुपुर्दगी में किए हैं, वो उनको गाय जो गौशालाओं में गाय निराश्रित गाय बंद हैं उनको पहना दिए गए हैं।
जनपद प्रयागराज के थाना कौंधियारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहा में अपने जीजा के यहाँ रहकर अंडे की दुकान चला रहे रविनाथ उर्फ राजा 38 वर्ष पुत्र राम बरोही निवासी गोईसरा थाना लालापुर अपने जीजा अभिमन्यु के भाई उदल 22 वर्ष पुत्र महगू रोहा थाना कौंधियारा के साथ 12 बजे सहरा बाजार अंडा लेने जा रहे थे। जैसे ही ढोडरी गांव स्थित नहर विभाग के डाक बंगले के सामने पहुंचे ही थे कि अवैध खनन कर रहे ओवरलोड गिट्टी लाद कर जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से रविनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उदल बाल बाल बच गए। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे तो आसपास ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में नहर किनारे खेत में लगे पुआल के ढेर में अज्ञात युवती का नग्न शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतक युवती के सर में गंभीर चोट के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि दुराचार के बाद कहीं और हत्या कर शव को पुआल के ढेर में छिपाया गया है। वहीं युवती के शव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेड़ के नीचे मृतक के कपड़े मिले हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सैनी कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के पथरावा गांव के पास नहर किनारे खेत के पुआल के ढेर में 18 वर्षीय एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिला है। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। सुबह ग्रामीण खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने युवती का खून से लथपथ नग्न अवस्था में शव देखा। शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल हो गया। देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। युवती के शव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ के नीचे युवती के कपड़े भी बरामद हुए हैं। बॉडी मिली है खेत में, क्या है पूरा मामला? थाना सैनी क्षेत्र के पथरावा गांव में एक युवती की डेड बॉडी मिली है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी युवती की पहचान नहीं हो पाई है और पोस्टमार्टम और पहचान के बाद जो कुछ कर रहे हैं। सर कपड़े नहीं थे शरीर में उसके, पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेप के बाद हत्या की गई हो? पोस्टमार्टम में हो जाएगा।